और इस बीच आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां सोनाली फोगाट का परिवार मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है संत कबीर कुटीर और मुलाकात करने के लिए। दरअसल सोनाली फोगाट का परिवार अब चंडीगढ़ पहुंच चुका है मुख्यमंत्री आवास पर। तो आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का परिवार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि परिवार की ओर से जिस तरह से शुरू से सीबीआई जांच की मांग पूरे मामले में की गई है, इस मुलाकात के दौरान भी परिवार इंसाफ की मांग करेगा, सीबीआई जांच की मांग भी की जा सकती है। इन तस्वीरों में आप सोनाली फोगाट के जीजा और बीच में उनकी बेटी यशोधरा को देख सकते हैं, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचा है। उनका भाई, सोनाली फोगाट का भाई उनके साथ है, सोनाली फोगाट की बेटी साथ में है यहां पर, और ये कार चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास यानी संत कबीर कुटीर पहुंच चुकी है। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। पवन, जिसका इंतजार किया जा रहा था यानी सोनाली फोगाट का परिवार अब पहुंच चुका है मुख्यमंत्री आवास, ताजा अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास के बाहर मौजूद हैं। अभी आपने जो गाड़ी देखी है उस गाड़ी में सोनाली फोगाट के भाई थे, उनकी बेटी थी और उनकी बहन जो है वो तस्वीरों में नजर आई है। और अभी एक्सक्लूसिव विजुअल जो है वो हमने यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से सोनाली फोगाट के परिजनों के दिखाई है, जिसमें आज जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो है वो अंदर जा चुके हैं। तमाम जो लगातार चर्चा थी कि कब तक पहुंच रहे हैं, वो इंतजार अब एक तरह से खत्म हुआ है। सोनाली फोगाट की बेटी, उनके सोनाली फोगाट के भाई, उनकी बहन जो है वो अब अंदर मुख्यमंत्री के आवास पर जा चुके हैं। अभी उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है, काफ़ी लंबे समय से इंतजार चल रहा था, चूँकि चंडीगढ़ में एंट्री होते वक्त एक जाम जो है वो लगा हुआ था, लंबे जाम में फंसने के चलते यहाँ पर पहुँचने में इनको देरी हुई है। और अभी मुख्यमंत्री से जब मुलाकात होगी उसके बाद क्या बातचीत की जाती है परिवार की तरफ से, वो जो है वो परिवार जब बाहर आएगा तब साफ हो जाएगा। लेकिन आपने जो तस्वीरें देखी, आपने देखा कि सोनाली फोगाट की जो बेटी है वो पूरी तरह से टूटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके साथ जिस तरीके की घटना उनके लिए हुई है वो एक उनको तोड़ देने वाली ही घटना है। आपने उस तस्वीरों में उस मासूम बेटी की जो आंखें देखी है वो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से परिवार में उनके जो जिस तरह की उनके साथ घटना हुई है उन्होंने उनको एक तरह से झकझोर दिया है। इससे पहले उनके पिता की मौत हो चुकी थी, सोनाली फोगाट जो है उनकी माँ उनके लिए बड़ा सहारा थी, लेकिन अब जो है वो उनकी माँ का भी जिस तरीके से एक जो जिसे मर्डर कहा जाएगा, चूंकि लगातार पुलिस इस पहलू पर काम कर रही है। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए सोनाली फोगाट के परिजन पहुंचे हैं, तो ये यहाँ पर क्या बातचीत होती है, क्या मांग मुख्यमंत्री से की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सोनाली फोगाट के जो परिजन है, उनकी जो बेटी है, उनके भाई और बहन जो यहाँ पहुंचे हैं, वो ये मांग कर सकते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। हालांकि ये बात मुख्यमंत्री के सामने उनके परिवार की तरफ से रखी जाती है या नहीं रखी जाती है, ये इस मुलाकात के बाद साफ होगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा है कि सोनाली का परिवार जो है वो इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की बात मुख्यमंत्री के सामने रख सकता है। हालांकि जो गोवा पुलिस है वो जांच इस पूरे मामले में कर रही है। आज दोनों आरोपियों को इस मामले में कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 10 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। और इस रिमांड अवधि के दौरान गोवा की जो पुलिस है वो हरियाणा में भी जांच करने के लिए आएगी, इस तरीके की जानकारी भी मिली है। और लगातार एक से एक कड़ियां जुड़ रही है। आज जो सीसीटीवी का वीडियो सामने आया है उसमें सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को कुछ पिलाते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं, और उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो लगातार बिगड़ती है और वो लड़खड़ाते हुए जो है वो नजर आती है, जिसमें सुधीर सांगवान उनको सहारा देकर एक वीडियो में नजर आते हैं। तो एक के बाद एक कड़ियां गोवा पुलिस जोड़ रही है। गोवा पुलिस ने इस मामले में 302 के तहत सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखिंदर पर मामला भी दर्ज किया है। लेकिन परिवार क्या इस पुलिस की, गोवा पुलिस की जो अब तक की कार्रवाई है उससे संतुष्ट है या नहीं है, या फिर
परिवार अब क्या इस पूरे मामले में चाहता है, यानी जो सीबीआई जांच की बात की जा रही है, क्या सीबीआई जांच की मांग परिवार मुख्यमंत्री के सामने रखेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब दो दिन पहले चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए थे, मुख्यमंत्री ने कहा था कि परिवार की तरफ से इस मामले में उन्हें कुछ लिखित में सरकार की तरफ दिया जाता है तो सरकार उसके ऊपर आगे बढ़ेगी, प्रोसेस देखेगी क्या किस तरीके से ये जो है वो सरकार इसमें क्या फैसला ले सकती है। लेकिन गोवा पुलिस जो है वो जरूर जांच कर रही है, मुख्यमंत्री ने ये तक जानकारी दी थी और ये कहा था मुख्यमंत्री ने कि इस मामले में जो बातचीत जो है वो गोवा के मुख्यमंत्री से भी हुई है और जो गोवा में बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके साथ भी हुई है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी थी कि गोवा के डीजीपी से भी और गोवा के मुख्यमंत्री से भी, यानी बातचीत इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से गोवा पुलिस प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई थी और जो गोवा का पुलिस प्रशासन है वो इस मामले में लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, मामला दर्ज है, दोनों आरोपियों को जो है वो कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले लिया गया है, एक के बाद एक इस मामले की जो कड़ी है वो जोड़ रहा है गोवा का पुलिस प्रशासन और तमाम जानकारी जो है वो मीडिया के सामने आ रही है। लेकिन परिवार आखिरकार अब इस मामले की जांच सीबीआई से चाहता है या नहीं चाहता है, या फिर परिवार क्या मांग मुख्यमंत्री से करता है, ये बड़ी बात है, बड़ा सवाल है इस मामले में। जी बिल्कुल पवन, इंतजार इसी बात का है कि आखिर जो मुलाकात हो रही है उसमें क्या निकलकर सामने आता है, क्या कुछ मांग परिवार की ओर से की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, लौटेंगे आपके पास पल पल के अपडेट्स के लिए।